जादुई बैंगन का पेड़। नंदू अपनी माँ के साथ रूपानगर गांव में रहता था। नंदू भी गांव के बाकी लोगों की तरह खेती करता था और जितना खेती से पैसा कमाता था बस उसी से वो अपने घर का खाना पानी चलाता था। एक दिन नंदू खेत में जा रहा था। बरसात का मौसम आ गया है, इस बार भी मैंने अपने खेत की जुताई नहीं की। अगर जल्दी जुताई नहीं करूंगा तो इस बार मेरे खेत में कोई फसल नहीं हो पाएगी। नंदू, अरे ओ नंदू, अरे तुम्हें सुनाई दे रहा है क्या? अकेला ही बड़बड़ा रहा है। ओए नंदू, कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, तुम सुनते ही नहीं हो। क्या हुआ, तुमने मुझे बुलाया? अरे भाई क्या बताऊँ, मुझे तुरंत किसी काम से बाजार जाना पड़ेगा। तुम मेरी जमीन जोत दो भाई, बताओ ना भाई। पर मेरी जमीन को भी तो जोतना है। अरे तुम अपना कल कर लेना, आज तो मेरी जमीन जोत दे भाई। अगर मैं आज बाजार नहीं गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। अच्छा ठीक है, मैं आज आपकी जमीन जोत देता हूँ। हाय, ये हुई ना अच्छे भाइयों जैसी बात। अच्छा ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। नंदू रामू का खेत जोतता है। अब घर जाकर सो जाता हूँ, बहुत नींद आ रही है। इधर नंदू रामू का खेत जोत रहा था। सुबह से शाम हो जाती है। दूसरी तरफ वो रामू अपने घर के आंगन में आराम से सोया हुआ था। रामू की अचानक नींद खुलती है। अरे बाप रे, शाम हो गई क्या? खेत में जाकर देखता हूँ, अब तक तो नंदू ने खेत का कुछ हिस्सा जोत ही दिया होगा। हाँ हाँ, अभी जाकर देखता हूँ। रामू अपने खेत में जाता है। अरे वाह, इसने तो सारा खेत जोत दिया। अरे रामू भाई, आप आ गए बाजार से, आपका काम हो गया ना? हाँ हाँ भाई, सारा काम अच्छे से हो गया। अगर आज बाजार नहीं जाता तो बहुत नुकसान हो जाता। अरे भाई, अब हम पड़ोसी एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? और नंदू काम खत्म करके अपने घर जाता है। अगर ऐसे मूर्ख लोग गांव में नहीं होंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? बेटा जल्दी से आ जा और खाना खा ले। माँ, तुम्हारा खाना कहाँ है? बेटा मैंने तो खा ही लिया, मुझे भूख लगी थी और तू आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने तुझसे पहले ही खा लिया। क्या माँ, तुमने सुबह भी कुछ नहीं खाया था, तब बोल रही थी कि मैं बाद में खाऊंगी, मैं सब समझता हूँ माँ। वो सोचते हुए, कैसा बेटा हूँ मैं, भरपेट खाना भी नहीं दे पा रहा हूँ। अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तू अब क्या सोच रहा है? क्या माँ, हम कभी पैसों का मुंह देख पाएंगे? कब हमारे हालात सुधरेंगे माँ? आपको ऐसे काम करते देखकर मुझे बहुत दुख होता है। सुन नंदू, हर चीज का समय होता है बेटा, जब समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। बेटा कभी भी पैसों के पीछे मत भागना, हमेशा सच्चे मन से मेहनत करते रहना, देखना ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। अब बातें बंद कर और खाना खा ले। नंदू अपनी थाली से अपनी माँ को खाना खिलाता है। अगले दिन नंदू अपने बैलों को लेकर खेत में जा रहा था, तभी घने बादल छाने लगते हैं। नंदू खेत को जोतना शुरू कर देता है और शाम तक पूरा खेत जोत देता है। रात को बारिश बहुत होती है और नंदू का खेत धान लगाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन नंदू धान लगाने के लिए खेत में जाता है, तभी वहाँ रामू आता है। अरे ओ नंदू, क्या कर रहा है? रामू भाई, वो मैं धान लगाने आया हूँ। अरे धान क्यों, इसका कोई फायदा नहीं है, तू ऐसा कर इसमें बैंगन के पौधे लगा दे, हर रोज बैंगन तोड़कर बाजार में दे आना। भाई अब तो मैं धान के पौधे भी ले आया हूँ। अरे कोई बात नहीं, तू ये पौधे मुझे दे दे, मैं तुम्हें बैंगन के पौधे लाकर दे दूंगा, वो भी बहुत अच्छी किस्म के। नंदू उसकी बात मान लेता है और अपने पास रखे सारे धान के पौधे रामू को दे देता है और रामू सारे धान के पौधों को खेत में ले जाकर लगा देता है। कुछ दिन बीत गए थे लेकिन अभी तक रामू ने नंदू को बैंगन के पौधे लाकर नहीं दिए थे। रामू भाई, आप पौधे ला देते तो मैं खेत में पौधे लगा देता।
अरे अभी तो उनके बीज लगाने में बहुत समय है, मैं खुद समय पर तुम्हें वो पौधे लाकर दे दूंगा। एक दिन नंदू सोया हुआ था, उसे सपना आता है। अरे बैंगन का इतना बड़ा पेड़, वो भी मेरे खेत में, वाह ऐसा पेड़ तो मैंने कभी नहीं देखा, और ये पेड़ कैसे बैंगनों से भरा पड़ा है। नंदू बेटा, ओ नंदू बेटा उठ जा, सुबह हो गई है। हाँ माँ, माँ तुम कहती हो ना कि सुबह का सपना सच होता है। पता है मैंने आज अपने खेत में बैंगन का बहुत बड़ा पेड़ देखा जो बैंगन से भरा पड़ा था, उसको बेचकर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। पागल कहीं का, चल मैंने तेरे लिए खाना बना दिया है, खा ले, अभी मुझे बहुत काम है। नंदू अपने खेतों की ओर खुशी से जा रहा था। अरे नंदू क्या हुआ, आज इतना खुश क्यों है? ये ले मैं तेरे लिए पूरे 10 बैंगन के पौधे लाया हूँ, बिल्कुल हाई ब्रीड के पौधे हैं, खुद शहर जाकर लाया हूँ। सच? पता है मुझे सुबह ही सपना आया था कि मेरे खेत में बैंगन के पौधे नहीं बल्कि बड़े बड़े पेड़ लगे थे और वो बैंगन से भरे हुए थे। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा ये ले बैंगन के पौधे, देखना इनके भी पेड़ बनेंगे। दो भाई मैं अभी जाकर इन्हें लगा देता हूँ। कितना मूर्ख है बेचारा, अपने सपने को सच मानता है, इसे क्या पता ये पौधे तो घर के बैंगन के बीच के ही हैं, कोई हाइब्रिड नहीं है। नंदू अपने खेतों में बैंगन के पौधे लगा देता है और खुशी से अपने घर आ जाता है। अगले दिन जब नंदू खेतों में जाता है, वो देखता है कि उसके खेत में बैंगन के बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे थे और वो सारे पेड़ बैंगन से भरे पड़े थे। अरे ये पेड़ तो बहुत बड़े बड़े हैं, बैंगन के वैसे ही पेड़ हैं जैसे मैंने सपने में देखे थे, ये तो एक दिन में ही तैयार हो गए। अब नंदू बैंगन के पेड़ से बैंगन तोड़ता है और उन्हें मंडी में बेचने जाता है और उससे खूब पैसे कमाता है। इधर गांव में लोग नंदू के खेत में बैंगन के पेड़ की बातें कर रहे थे। जाकर देखना ही होगा क्या माजरा है। अरे ये कैसे हो सकता है, मैंने तो इसे घर पर उगे साधारण से बैंगन के पौधे दिए थे, ये इतने बड़े पेड़ कैसे बन गए, इन पर तो कितने सारे बैंगन लगे हैं। हे भगवान ये क्या हो गया, ये नंदू की तो किस्मत ही बदल गई, उसका सपना तो बिल्कुल सच हो गया। अब नंदू हर रोज बैंगन तोड़ता और उन्हें बाजार ले जाकर बेच जाता। नंदू के पास अब पैसों की कोई कमी नहीं थी, उन जादुई बैंगन के पेड़ की वजह से नंदू का जीवन खुशियों से भर जाता है। एक गांव में कृष्णा नाम का बहुत ईमानदार और परिश्रमी लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। कृष्णा की माँ अक्सर बीमार रहती थी। कृष्णा सुबह सुबह अपनी कुल्हाड़ी और पानी का लोटा लेकर जंगल में चला जाता और शाम तक जंगल में लकड़ियां काटता और फिर उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते थे उसी से उसके घर का चूल्हा जलता था। अरे इन लकड़ियों के बस 150 रुपए ही मिलेंगे। सिर्फ 150 रुपए तो बहुत कम है चाचा, मैं पूरे दिन लकड़ी काटता हूँ तब जाकर इतनी लकड़ियाँ ला पाता हूँ। हाँ ये बोलो कि मैं तुमसे लकड़ियाँ खरीद रहा हूँ, दूसरे गांव के व्यापारी तो ऐसी लकड़ी लेते भी नहीं है। अशोक कृष्णा का पड़ोसी था जो लकड़ियों का व्यापार करता था। वो कृष्णा के भोलेपन का फायदा उठाता था और उसे लकड़ियों के बहुत ही कम पैसे देता था। एक दिन हर रोज की तरह कृष्णा जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। बहुत गर्मी होने के कारण और लगातार लकड़ी काटते काटते कृष्णा को बहुत प्यास लग जाती है। आज कितनी गर्मी है, इस तपती गर्मी में तो बार बार गला सूख रहा है। कृष्णा अपना लोटा उठाता है। लोटे में पानी भी खत्म हो गया, अब क्या करूं? ऐसा करता हूं जंगल के उस पार नदी है, वहां से पानी भर कर लाता हूं। चलते चलते कृष्णा को बहुत समय लग जाता है। ओहो और कितनी दूर है ये नदी। कुछ समय और चलते चलते आखिरकार कृष्णा उस नदी पर पहुंच जाता है और अपने लोटे में पानी भरता है
और वो अपनी प्यास बुझाता है और अपने लोटे में भी कुछ पानी रख लेता है और फिर जंगल की ओर चल पड़ता है। चलते चलते उसकी नजर एक हिरन के बच्चे पर पड़ती है जो एक पेड़ के नीचे अकेला सहमा हुआ बैठा था। अरे ये हिरन का बच्चा तो बहुत छोटा लगता है, लगता है अपनी माँ से बिछड़ गया है। कृष्णा हिरन के बच्चे के पास जाता है और उसे प्यार से सहलाता है। तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? अगर किसी बड़े जानवर ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मुसीबत हो सकती है। नन्हा हिरन का बच्चा बड़ी बड़ी आँखों से कृष्णा को देख रहा था। तुम्हें भूख लगी होगी, ये लो थोड़ा पानी पी लो। कृष्णा उसे अपने लोटे में से पानी पिलाता है। हिरन का बच्चा पानी पीते ही खड़ा हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं कृष्णा को पेड़ पर चढ़ी एक बड़ी सी अंगूर की बेल दिखती है जिस पर बहुत से अंगूर लगे थे। अरे वाह, कितने सारे अंगूर लगे हैं, देखने में तो बहुत रसीले लग रहे हैं। कृष्णा एक अंगूर का गुच्छा तोड़ता है और एक अंगूर खाता है। तभी कृष्णा में एकदम से ताकत आ जाती है। अरे ये क्या, इसे खाते ही मेरी सारी थकान दूर हो गई। ये अंगूर तो बहुत ही ताकतवर है। तभी कृष्णा के हाथ में पकड़े हुए सारे अंगूर सोने के बन जाते हैं। कृष्णा अंगूर को देखता है तो वो सोने के बन गए थे। अरे ये अंगूर सोने के कैसे बन गए, ये कैसे हुआ? तभी अंगूर के गुच्छे में से आवाज आती है। कृष्णा, कौन है यहाँ? डरो नहीं, मैं एक जादुई अंगूर हूँ और मैं ईमानदार और सच्चे लोगों की मदद करता हूँ और तुम एक सच्चे इंसान हो। तुम मेरे अंगूर से अपनी और जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हो, लेकिन अगर गलती से भी किसी लालची इंसान ने मुझे खा लिया तो वो उसी क्षण बूढ़ा और कमजोर हो जाएगा। कृष्णा बहुत खुश होता है। वो एक और अंगूर का गुच्छा लेकर अपने घर आ जाता है और सारी बात वो अपनी माँ को बताता है और एक अंगूर उसे खाने को देता है। अंगूर खाते ही उसकी माँ एकदम ठीक हो जाती है। अरे मैं तो एकदम ठीक हो गई, देखो अब मैं अच्छे से भी चल सकती हूँ। मैंने बोला था ना माँ कि ये एक जादुई अंगूर है। कृष्णा के पास जितने भी अंगूर थे वो सब सोने के बन जाते हैं और कृष्णा उन्हें बेचकर पैसे कमा लेता है और अपने लिए एक बड़ा सा घर और जरूरत की सारी चीजें जमा कर लेता है। अब कृष्णा लकड़ी भी नहीं काटता था, वो पूरा दिन लोगों की मदद और अपनी माँ का ध्यान रखता था। एक दिन, अरे ये कृष्णा के पास इतने पैसे कहाँ से आए? अब तो ये लकड़ी भी नहीं बेचता, फिर भी ये दिनों दिन अमीर होता जा रहा है। जरूर कुछ दाल में काला है, मुझे इस पर नजर रखनी होगी। एक दिन कृष्णा और उसकी माँ उस जादुई अंगूर की बातें कर रहे थे। जादुई अंगूर? तो इस अंगूर की वजह से ये लोग अमीर हो गए हैं, लेकिन ये जादुई अंगूर जंगल में है कहाँ? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। अगले दिन सुबह होते ही अशोक एक थैला लेकर जंगल में चला जाता है। सुबह से दोपहर हो जाती है। जाते जाते उसे वही हिरन का बच्चा मिलता है। अरे वाह, हिरन का बच्चा, आज तो इसे ही बनाकर खाऊंगा। ऐसा करता हूँ, इसे भी अपने साथ ले चलता हूँ। और अशोक हिरन के बच्चे को उठाकर आगे बढ़ने लगता है। अरे ये अंगूर की बेल कहाँ है, इसे उठाकर चलते चलते तो मैं थक गया हूँ। अशोक हिरन के बच्चे को नीचे फेंक देता है
और उसकी एक टांग पकड़कर उसे घसीटता हुआ जंगल में आगे बढ़ने लगता है। हिरन के बच्चे को बहुत चोट भी आ जाती है। तभी अशोक के सामने अंगूर के गुच्छों से भरी अंगूर की बेल दिखती है। अरे वाह, ये रही वो जादुई अंगूर की बेल, कितनी देर से इसे ढूंढ रहा था। अशोक अंगूर के गुच्छे तोड़ना शुरू करता है। सारे अंगूर अभी ले जाता हूँ, अब उस पागल कृष्णा को यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अशोक सारे अंगूर तोड़ लेता है और उसे एक थैले में भरना शुरू करता है। अरे मैं तो बहुत थक गया हूँ, कुछ अंगूर यहीं खा लेता हूँ। अशोक जैसे ही एक अंगूर अपने मुंह में डालता है तो वो एकदम से बूढ़ा हो जाता है और उसके शरीर में बहुत ही कमजोरी आ जाती है। अरे मुझे ये क्या हो गया, मैं इतना कमजोर कैसे हो गया, ये अंगूर कैसे अंगूर थे, हे भगवान अब मैं क्या करूं? अशोक सारे अंगूर और हिरन का बच्चा वहीं छोड़कर वहां से धीरे धीरे चलकर अपने घर वापस आ जाता है। लालची लोग मुझे कभी हासिल नहीं कर सकते, और सारे अंगूर फिर से उसी बेल पर लग जाते हैं। इधर कृष्णा उन पैसों से गांव में अस्पताल और स्कूल खुलवाता है और गरीब लोगों को खाना खिलाता है। सब लोग कृष्णा की अच्छाई की तारीफ करते थे।